जय हिंद डियर साथियों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको रौजा गांव रेलवे स्टेशन की ताज़ा अपडेट दी थी और इससे पहले मैंने आपको दरियाबाद रेलवे स्टेशन की अपडेट दी थी, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हमारे जो बाराबंकी से अयोध्या धाम जंक्शन होते हुए जाफराबाद वाला रेलखंड है, इस पर दोहरीकरण का काम कम्प्लीट हो चुका है और कुछ स्टेशन पर अभी प्लेटफॉर्म एवं लूप लाइन के काम चल रहे हैं। जैसे कि हमारे अयोध्या धाम से बाराबंकी जंक्शन के बीच में जो दरियाबाद रेलवे स्टेशन है एवं सैद खानपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 एवं 2 का काम चल रहा है। तो आज हम पटरंगा रेलवे स्टेशन की ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 एवं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कितना काम अधूरा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए। ये देखिए, ये पटरंगा की लेवल क्रॉसिंग आ गई और ये पटरंगा रेलवे स्टेशन की यहाँ से लूप लाइन शुरू हो जाती है। सामने की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जहाँ पर छोटे छोटे सीट और छोटे छोटे शेल्टर लगा लिए गए हैं। यहाँ पर लाइट व्यवस्था भी दुरुस्त कर ली गई है। यहाँ पर देखिए, फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार है और आगे की तरफ भी छोटे छोटे शेल्टर लगाए गए हैं। अब यहाँ से देखिए, हम आपको वीडियो को स्लो करके दिखाते हैं। यहाँ से अभी प्लेटफॉर्म का कार्य अधूरा है और इस पर अभी इंटरलॉकिंग की ईंटें हैं, उनको लगाने का काम चल रहा है। पीछे अभी बाउंड्री वॉल का काम भी नहीं हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जगह जगह पर इंटरलॉकिंग की ईंटें डंप हुई हैं। और सामने की तरफ पटरंगा रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। अब आगे की तरफ चलिए और हम आपको आगे की तरफ से दिखाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा, जो कि अभी हमारी ट्रेन आगे की तरफ चल रही है और दूसरे ट्रेन से हम आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा दिखाएंगे और वहाँ पर देखते हैं कितना काम अधूरा है। फिलहाल ये लेवल क्रॉसिंग आ गई पटरंगा रेलवे स्टेशन की। और चलिए अब थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखा देते हैं। हमारी जो 04217 नंबर की ट्रेन है, वाराणसी से लखनऊ के बीच चलने वाली फास्ट मेमो ट्रेन, यहाँ पर देखिए बहुत सारे यात्री खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप खड़े एवं बैठकर दोनों तरह से यात्रा कर सकते हैं और इसके लिए बाकायदा छल्ले लगाए गए हैं अंदर, जो हमारा कोच है। और सबसे बड़ी अपडेट ये निकल कर आई है कि अब जितने भी हमारे मेमू रेक हैं पुराने वाले, उसमें अब टॉयलेट की व्यवस्था कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर टॉयलेट बनाया गया है, वहीं हमारे दूसरी तरफ खाली जगह पड़ी हुई है यात्रियों के बैठने के लिए। ये सज्जन देखे गेट पर यात्रा कर रहे हैं, जो कि रिस्की होता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि गेट के ऊपर भी फैन लगा हुआ है, तो मान कर चलिए आप कि पूरी ट्रेन में आप कहीं भी खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं और आपको यहाँ पर गर्मी तनिक भी महसूस नहीं होगी। चलिए अब हम आपको दूसरी ट्रेन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ से देखिए, हमारी दून एक्सप्रेस, जो कि योगनगरी ऋषिकेश से हावड़ा के बीच में चलती है, 1/3010, और इसका जो है पटरंगा रेलवे स्टेशन के आउटर पर आगमन हो रहा है। फिलहाल अब हम आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ताज़ा अपडेट देंगे। और वर्तमान समय में पटरंगा रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। और यहां पर अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही ट्रेनों का संचालन हो रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी काम चल रहे हैं, जिस कारण से यहाँ भी ट्रेनें जो होती हैं, जिनका स्टॉपेज होता है, उनको प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजारा जाता है और यहाँ भी ट्रेनें लेट होती हैं। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमें कमेंट करते हैं कि अभी दोहरीकरण का काम कंप्लीट होने के बाद भी इस रूट पर ट्रेनें लेट क्यों हो रही हैं। तो यही कारण है कि अभी बहुत सारे स्टेशन पर काम चल रहे हैं, जिस कारण से ट्रेनें लेट हो रही हैं। फिलहाल यहाँ से देखिए, यहाँ से लूप लाइन शुरू हो जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की। और अब आपको स्लो करके दिखाते हैं वीडियो। यहाँ देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिट्टी भराई का काम चल रहा है और इसके बाद अभी पीछे दीवार का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मिट्टी को समतल करके फर्श डालने का काम होगा।
और उसके बाद यहाँ पर इंटरलॉकिंग की ईंटें लगाई जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेबर काम में लगे हुए हैं। और यहाँ पर आगे की तरफ ये देखिए, ये पटरंगा रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग आ गई। छोटे छोटे यहाँ पर सीट लगाई गई हैं यात्रियों के बैठने के लिए, छोटे छोटे शेल्टर भी लगाए गए हैं। फिलहाल अभी यहाँ भी बाउंड्री वॉल का कार्य अधूरा है। तो आज की ये छोटी सी अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।